हेलो दोस्तों, मैं हूं आसिफ निज़ामानी और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको मेरे 1000 वाट सोलर सिस्टम पे ये 1000 वाट की इस्त्री चला के दिखाऊंगा। नेशनल की इस्त्री 1000 वाट की है, 1000 वाट एसी, ये सोलर वाली इस्त्री नहीं है। दोस्तों, मेरे पास एक सिंपल सा यूपीएस है, मेरे पास इन्वर्टर नहीं है। 1500 वाट का यूपीएस है अपोलो का, वो मेरा नीचे लगा हुआ है, उस पर मैं आज ये इस्त्री चलाऊँगा। आप देख सकते हैं ये नेशनल की इस्त्री है। दोस्तों, ये मेरा 1000 वाट का सोलर सिस्टम है और इस पर चलाऊँगा। इस पर काफ़ी मट्टी भी लगी हुई है, मैंने सफाई नहीं की है, इसलिए थोड़े इसके एम्पियर कम भी आ रहे हैं, मट्टी की वजह से मैंने सफाई नहीं की है। खैर, और दोस्तों मैं आपको एक और भी बात बता दूँ, ये जो इस्त्री है इसके मैं थोड़ा आपको चेक करा दूँ। ये 220 वोल्ट की है एसी और 1000 वाट की है, वो भी एसी 1000 वाट के, और ये नेशनल की इस्त्री है, मेड इन मलेशिया। आपको पता ही होगा ये ऑटोमेटिक इस्त्री है। दोस्तों, इसका एक और फ़ायदा अच्छा है, ये ऑटोमेटिक है, इसलिए ही मैं इसको सोलर पे आसानी से चला रहा हूँ, क्योंकि ये जब तेज़ गर्म हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है और ये हमारी बिजली की बचत हो जाती है। अगर ये ऑटोमेटिक ना होती तो शायद ये ना भी चलती, लेकिन ये ऑटोमेटिक है, ये अच्छी बात है, इसलिए ये आराम से मेरे से 1000 वाट सोलर सिस्टम पर चल रही है। दोस्तों, और मैं आपको बता दूं, ये तकरीबन 3 बजे के बाद ये नहीं चलती है, लेकिन 3 बजे से पहले मैं इसको आराम से चलाता हूँ, एक एक घंटे आराम से मैं चलाता हूँ। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट चलती है, एक एक घंटे, लेकिन 2:30 बजे के बाद, 2:30-3 बजे के बाद ये सही नहीं चलती है, बंद हो जाती है। और मैं आपको बता दूँ, मैंने इसका नंबर भी हाईएस्ट रखा है अभी 3 पे, तो मैं इसको अभी हाईएस्ट पे रख देता हूँ, यानी 6 नंबर पर मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम नीचे चलते हैं। दोस्तों, ये मेरा नॉर्मल सा यूपीएस है, इसके साथ मैंने डबल बैटरीज कनेक्ट करके रखी है, 160 एम्पीयर्स की 2 बैटरीज है मेरे पास, आप अभी देख रहे हैं। और ये मेरा यूपीएस है अपोलो का, इसका मॉडल नंबर भी आप अच्छी तरह से देख लें, काफ़ी लोग पूछते हैं बाद में भाई इसका मॉडल क्या है। आप देखें, इसकी लिखा हुआ है इसकी AS, इसका ये मॉडल नंबर ऊपर लिखा है 2505। उसके बाद इसकी कैपेसिटी 1600 वाट, और ये काफ़ी इसकी डिटेल लिखी है, आप अच्छी तरह से देख लें। ये 24 वोल्ट का है, डबल बैटरी वाला यूपीएस है, इन्वर्टर नहीं है, और इस पर ये यूपीएस मेरा सोलर वाला है, इस पर 36 वोल्ट के हम सोलर पैनल लगा सकते हैं, और 1800 वाट तक हम इस पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, 1800 वाट से हम ज़्यादा नहीं लगा सकते। फ़िलहाल तो मेरे पास 1000 वाट का लगा हुआ है, और ये जो आप देख रहे हैं वायर्स, ये ऊपर से आ रही है सोलर्स की, मेरे सोलर सिस्टम की ऊपर से वायर्स आ रही है। और आप देखें, ये बिजली का प्लग मैंने निकाल के रखा हुआ है अपने का, मैंने ये निकाल के रखा है क्योंकि हमारे पास लाइट तो है ही नहीं, हमारे पास सारा दिन सोलर ही यूज़ होता है, सोलर ही इस्तेमाल होता है, इसलिए बिजली है भी नहीं, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको इस्त्री को चलाएंगे। दोस्तों, मैं अब ये रूम में भी चला कर दिखा देता आपको इस्त्री, लेकिन आपको शायद यकीन ना होता, इसीलिए मैं डायरेक्ट अपने यूपीएस में लगा रहा हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए। बाद में आप अगर मैं रूम में चलाता, कमरे में चलाता, तो आप कहते हैं भाई इसने वापडा पे चला रखी है, बिजली पे चला रखी है, लेकिन इसलिए मैं आपको यकीन दिलाने के लिए वाजे मैंने ये वीडियो बनाई है, आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्ट इस्त्री को यूपीएस में लगा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, इस्त्री के साथ मैं रूम में जब कमरे में चलाता हूँ, तो उसके साथ 2 छत वाले पंखे भी मेरे साथ में चलते हैं, लेकिन 2:30-3 बजे से पहले। दोस्तों, अब मैंने इस्त्री को चालू कर लिया है, आप देखें इस्त्री की लाइट जल रही है, ये अब गर्म होना शुरू हो गई है। सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों इसका ऑटोमेटिक होना, इसीलिए ही मैं इसको चला पा रहा हूँ, वरना शायद मैं नहीं चला पाता। इस पर देखो, लोड भी कम पड़ रहा है, वाट भी कम शो कर रही है, सिर्फ ऑटोमेटिक होने की वजह से। 1000 वाट का सिर्फ एक झटका ही आता है, उसके बाद नीचे फ़ौरन वाट कम हो जाते हैं। अब ये गर्म हो रही है, थोड़ी देर में ये गर्म हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, और मेरे जो यूपीएस पे लोड बिल्कुल बंद हो जाएगा। दोस्तों, मेरे तमाम दोस्तों के पास ये भी सिस्टम है, जो मेरे
दोस्त हैं, लेकिन वो नहीं चलाते, वो कहते हैं ये रिस्क हम नहीं उठा सकते, लेकिन मैं तो चला रहा हूँ। अब देखें ये रीडिंग 00 हो गई है, यानी इस्त्री बंद हो गई है, ऑटोमेटिक है ना, ये गर्म हो गई। हाँ तो दोस्तों मेरे दोस्तों के पास ये सिस्टम है, लेकिन वो नहीं चलाते, वो कहते हैं थोड़ा रिस्क हम नहीं चलाना चाहते, लेकिन मैं तो चला रहा हूँ, अच्छा खासा ये चल रही है, मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये अच्छी बात है अगर हमारे ये 1000 वाट की इस्त्री 1000 वाट सोलर सिस्टम पे चलती है। दोस्तों आज की वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।